कहते हैं कि बरसात का दिन गरीबों पर आफत लेकर आती है, क्योंकि बरसात के दिनों में इन गरीबों के रहने वाले आसियानों में बरसात का पानी टपकने लगता है, जिसके चलते उन्हें पूरी रात बैठकर बितानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ स्थिति इन दिनों जनपद के विकास भवन का है, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 25 से ऊपर विभाग है और इन विभागों के लिए बारिश मुसीबत लेकर आई है। विकास भवन का ऐसा कोई ऑफिस नहीं जहां पर पानी नहीं टपक रहा है और दस्तावेज पानी की वजह से खराब होने की कगार पर है। 90 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा जनपद के विकास के लिए विकास भवन का आधारशिला रखा गया। तब लोगों को उम्मीद थी कि इस विकास भवन से जनपद का विकास होगा। जनपद का विकास भी हुआ, लेकिन 90 के दशक में बनने वाला ये भवन अपनी सिल्वर जुबली मनाने की ओर अग्रसर है, लेकिन अब ये भवन नहीं लगता है कि अपनी गोल्डन जुबली भी मना पाएगी। कारण कि जनपद में पिछले एक सप्ताह से जारी हुआ बारिश इस विकास भवन की पोल खोल रहा है। जो भवन है उसमें देखा जाए तो जितने भी कार्यालय अधिकतर कार्यालय में पानी जो है मतलब रिलीज रहे हैं, पानी छू रहा है, उसको देखते हुए क्या करें, क्योंकि लगातार जो है जैसे डॉक्यूमेंट है वो उससे खराब हो रहे हैं। गाजीपुर का जो विकास भवन है, पिछले दिनों में काफी बारिश हुई है और इसकी वजह से वहां पर कुछ लीकेज है, कुछ कार्यालयों में और फर्श पर पानी भी जमा हो गया था। तो ये काफी पुराना भवन बना हुआ है, इसकी मरम्मत के लिए शासन से प्रस्ताव मांगा गया था, हमने एस्टीमेट बनाकर भेज दिया है और जल्दी ही हम आशा करते हैं कि स्वीकृति भी मिल जाएगी वहां से। और इसके अलावा जो आप अभिलेख की बात कर रहे हैं तो वो दूसरे कमरों में शिफ्ट करने का हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी खाली है। तो अभी फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अभिलेख वगैरह सुरक्षित रखे जाए और काम सुचारू रूप से चले। TV 100 के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।